ही ऊंचाहार के हम यूनिट नंबर 6 में हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कंट्रोल रूम का स्ट्रक्चर है, यहीं से पूरी यूनिट की मॉनिटरिंग होती है, वर्किंग होती है। इसका कंट्रोल रूम है जो मेरी 500 मेगावाट की इकाई है, उसका पूरा कंट्रोल इस रूम से होता है, यहाँ से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल रूम। एनी प्रोडक्शन हमारा फुल प्रोडक्शन भी होगा, पार्शियल भी हम जनरेट करते हैं, मॉनिटर यहीं से करते हैं। 1 नवंबर 2017 को NTPC ऊंचाहार के प्लांट में एक भयावह दुर्घटना हुई थी। उसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को फिर से यूनिट नंबर 6 को सिंक्रोनाइज किया जा चुका है। साथ रीजनल डायरेक्टर हैं NTPC के नॉर्दर्न रीजन के सिंह जी, मैं इनसे जानूंगा कि आखिर क्या कमियां रही उस दुर्घटना जो हुई, उसके बाद क्यों इतना टाइम लग गया इसको फिर से सिंक्रोनाइज होने में। सिंह साहब नमस्कार, ईटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे ये बताएं, जो मेरा सवाल है आपने सुना, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वो एक अप्रत्याशित घटना थी और उसका रिवाइवल का काम हम लोग जुलाई में शुरू कर सके और एक रिकॉर्ड टाइम में हमने बहुत ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए दिसंबर महीने में उसको 14 दिसंबर को सिंक्रोनाइज कर लिया है। और यदि चूंकि ये प्लांट में दुर्घटना हुई थी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लाना था, इसलिए समय ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि ज्यादा लगा है, लेकिन हम लोगों ने बल्कि रादर बड़े सुदृढ़ तरीके से कम समय में इस कार्य को पूरा किया। उस इंसिडेंट से क्या लेसन आपने सीखा? हम लोगों को लेसन ये मिला कि हमें किसी भी तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वायलेट नहीं करना है, जो भी मानक तय किए गए हैं उन हमें सभी को उस चीज का ध्यान रखना है और यदि किसी तरह की कोई कमियां नजर आती है तो सर्वप्रथम अपने मशीन को बंद कर देना है, सेट ऑफ प्रोसीजर से स्टिक करना ही उनका मूल मंत्र है। भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।